देखो नारद बातू नी आए हमारा नेता कैसा हो नारद प्रभु जैसा हो हमारा नेता कैसा हो नारद प्रभु जैसा हो हमारा नेता कैसा हो नारद प्रभु जैसा हो हमारा नेता कैसा हो नारद विनोदी नारद नारद सुंदर ध्वनि नारद नारद सबका ज्ञानी नारद नारद हमारा चहेता को सूचित किया जाता है कि मेरे प्रिय भक्त नारद इस चुनाव में उम्मीदवार हैं अपना प्रेम देकर इस चुनाव में उन्हें विजयी बनाएं नारद प्रभु की नारद प्रभु की हमारा नारद 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 सबके चाहते नारद नारद मेरे भक्त नारद नारद लक्ष्मी जी बोले नारद नारद अति विनोदी नारद नारद सबके चाहते बड़े ज्ञानी सबके चाहते बहुत विद्वानी मेरे प्रभु देखिए हमारे समक्ष कौन आए हैं प्रणाम उम्मीदवार इंद्र प्रणाम प्रणाम उम्मीदवार नारद इंद्रदेव इस चुनाव में आपका प्रेम हमें अवश्य दीजिए विचार करेंगे चलिए प्रभु नारद यदि हमने आपको चुनाव में जिता दिया तो आप नारी के लिए क्या करेंगे नारियों के लिए अगर मुझे इस चुनाव में जीतना है तो नारियों का सहयोग अति आवश्यक है अब नारी शक्ति सभा में उपस्थित माता लक्ष्मी और माता पार्वती मैं नारद आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि यदि मैं चुनाव जीत गया तो महिलाओं के हित के लिए ही कार्य करूंगा दुर्व्यवहार करने वाले पापियों को नरक लोक में काले पानी की सजा होगी मैं स्वयं बजा लेता हूं और हां मैं आपको वचन देता हूं कि महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी रखा जाएगा और हां स्वर्ण आभूषणों पर 50% छूट का प्रावधान भी है तो बोलो हमारा नेता कैसा हो नारद मुनि जैसा हो हमारा नेता कैसा हो नारद मुनि जैसा हो क्या हुआ इस चुनाव से अपना नाम वापस ले लो तुम्हें जो चाहिए मिल जाएगा चुनाव से नाम वापस ले लूं परंतु क्यों मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए नहीं चाहिए पर हमें तो देना है ना देना है तो दो क्या देना है इस चुनाव में जो भी जीतेगा वो कुछ पल बाद इस सिंहासन पर विराजेगा आप सभी देवी देवताओं को एक एक स्वर्ण मोहर दी जाएगी वो स्वर्ण मोहर आपको उन दो संदूकों में से किसी एक संदूक में डालनी होगी और जिस संदूक में सबसे ज्यादा स्वर्ण मोहर होंगी वो सभी देवताओं का नया राजा घोषित कर दिया जाएगा आज से सभी देवताओं के नए राजा होंगे देवऋषि नारद परम मित्र नारद की मेरे परम
शांत। अब हम राजमुकुट पहनाकर नारद का राज्याभिषेक करेंगे। नहीं प्रभु, मेरी राजगद्दी तो आपके चरणों में है प्रभु, मुझे इस मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं। नारद, अब अगर नारद राजा नहीं बने तो फिर नियम के अनुसार इंद्रदेव को राजा बनना होगा। मैं तो स्वयं यही चाहता हूं कि देवराज इंद्र ही इंद्रलोक की सत्ता संभाले। मैं तो अपने प्रभु नारायण के आशीर्वाद से इस चुनाव में उतरा और देवराज इंद्र को साबित कर दिया कि इंद्रलोक में केवल वो ही नहीं है जिससे प्रजा प्रेम करती है, एक नारद मुनि भी है जिन्हें शायद प्रजा अपने राजा के रूप में देखना चाहे। देखो नारद बातों नहीं आए।